ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल माई सब्सक्राइबर। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सी प्लस प्लस प्लेलिस्ट जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, और हम लोग उसमें आगे टॉपिक पढ़ रहे होंगे। ओके, सो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग एरे पढ़ चुके हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जो सी प्लस प्लस का प्लेलिस्ट है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, यहीं पर सारा वीडियोस आपको दिख रहा होगा। ओके, सो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एरे कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग एरे का क्विक रिवीजन भी करेंगे और देखेंगे कि एरे में क्या क्या फायदे हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग एरे पढ़े थे, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एरे पढ़े थे तो एरे क्या है, एक सिंपली डाटा टाइप है जिसमें हम लोग बहुत सारे वेरिएबल को स्टोर करते हैं, ठीक है, उसके वैल्यू को। और उसमें खास बात क्या होता है कि वो सेम टाइप के होते हैं, मतलब जो उसका डाटा टाइप होता है वो सेम होता है, मतलब कि जैसे 1, 2, 3, 4 अगर मैं इसमें इस वैल्यू को स्टोर करूँ तो ये क्या है, ये एक इंटीजर टाइप है। समझ में आ रहा है, सारा क्या है, इंटीजर टाइप हमारा डाटा टाइप है। समझ में आ रहा है, तो इंटीजर टाइप है तो हमारा एरे भी क्या होगा, एक इंटीजर टाइप ही होगा। समझ में आ रहा है, अगर मैं कोई एक और एरे डिफाइन करता हूँ, लेट से एक और एरे डिफाइन करता हूँ एरे टू, और उसमें मैं वैल्यू क्या डालता हूँ, लेट से मैं डालता हूँ उसमें ए बी सी और 1, 1.2, तो क्या ये इलीगल है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो मैं डाटा स्टोर किया हूँ क्या वो सेम टाइप का नहीं है, मतलब क्या है, ये सब क्या है, कैरेक्टर है, और ये क्या है, इंटीजर है, ये क्या है, फ्लोट है। तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एरे में कि हम लोग डिफरेंट टाइप डाटा टाइप्स को स्टोर कर पाए। समझ में आ रहा है, मतलब एरे की क्या खास बात है, केवल कि एरे की क्या है कि हम लोग उसमें जो वैल्यू स्टोर करते हैं, उसमें जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो क्या होना चाहिए, वो डाटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो सेम होना चाहिए, इसका मतलब या तो एरे हमारा क्या हो सकता है, एरे हमारा क्या हो सकता है, या तो इंटीजर हो सकता है, समझ में आ रहा है, या हमारा क्या हो सकता है, कैरेक्टर एरे हो सकता है, या हमारा क्या हो सकता है, फ्लोट टाइप हो सकता है। मतलब कि इस तरीके से हम लोग एरे डिफाइन कर सकते हैं और उसमें सेम टाइप के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये था हमारा एरे का क्विक रिवीजन। समझ में आया। अब लेट से मैं मान लेता हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन एक्स है, ठीक है। अब इस एक्स पर्सन का एज होगा, समझ में आ रहा है, इस एक्स पर्सन का मान लेते हैं सैलरी होगा, समझ में आ रहा है, और मान लेते हैं ये जहाँ रहता होगा उसका कुछ लोकेशन होगा, ठीक है, ऑल राइट। तो इस डाटा को हमको स्टोर करना है, तो इसको स्टोर करने के लिए हम क्या एरे यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या हमारा इंटीजर है। समझ में आ रहा है, ये एक इंटीजर है, मतलब कि इंटीजर डाटा टाइप में ही एज को स्टोर करेंगे, क्योंकि एज तो हमारा पॉइंट और डेसिमल में नहीं होगा, वो तो 18, 19, 20 ऐसे कुछ करके होगा। सैलरी, सैलरी क्या होगा, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। तो लेट से मैं मान लेता हूँ कि इसकी सैलरी फ्लोट में है, तो एक फ्लोट डाटा टाइप में स्टोर करना पड़ेगा। लोकेशन, लोकेशन क्या होगा, या तो कैरेक्टर होगा, या कैरेक्टर नहीं होगा, कह लो स्ट्रिंग होगा। समझ में आ रहा है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होगा। तो क्या इस सारे डाटा टाइप को जो कि डिफरेंट डिफरेंट है, क्या हम एरे में स्टोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। तो हमको इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एक नया डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, दैट इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। समझ में आया, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, एवरीथिंग वी विल सी इन दिस वीडियो। ओके, सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ, जो भी कॉलेज में हैं आप उनके साथ शेयर करिए, बताइए कि यहाँ पे सी प्लस प्लस काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तभी शेयर करिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी में और देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। सो स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, अंडर अ सिंगल नेम। ओके, इट इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। अभी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या होता है, इसको आप डीप में पढ़ाऊंगा आपको जब हम लोग क्लास पढ़ रहे होंगे। समझ में आया, क्लास का जब इंट्रोडक्शन दूंगा, जब क्लास कि वीडियोस में डालूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिंपली स्ट्रक्चर एज एरे की तरह समझते हैं कि एरे में हम लोग क्या करते थे, सेम डाटा टाइप को स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया, उसके डाटा को। तो ये क्या था, इट इज सिमिलर टू क्लास। तो जैसे क्लास आ गया, हम लोग जब तक क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे आपको और अच्छे से उतना नहीं समझ में आएगा। ओके, तो अभी तक क्या करते हैं हम लोग, अभी के लिए हम लोग सिंपली इसका डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, कैसे स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं वो समझेंगे। ओके, और कैसे वैल्यू एक्सेस करते हैं। समझ में आए। सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट पीपीटी क्या है हमारा, हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। ओके, मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सिंपली स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड एक यूज करेंगे और यहाँ पर स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम मतलब एज अ वेरिएबल, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं जिस नाम से आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेंबर 1, मेंबर 2, अप टू मेंबर n,
जो भी मेरे डाटा टाइप्स होंगे, मतलब कि जिसमें मेरे को वैल्यू स्टोर करना है, वो सारे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा, लाइक इंट एज, इंट सैलरी या फ्लोट सैलरी, स्ट्रिंग लोकेशन, इस तरीके से। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हम लोग वीएस कोड में कोड करेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छे से। सो लेट्स मूव, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक पर्सन नाम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि स्ट्रक्ट यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा, वर्ड यहाँ पे पर्सन, ये कुछ भी हो सकता है, इंप्लॉय, पर्सन, कुछ भी, ए बी सी डी, जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हो ना वैसे ही। अब इसके अंदर क्या है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर एरे है, समझ में आया, जिसमें नाम, 10 लोग का नाम स्टोर है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एज है। अब एज क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू मैं डालूंगा क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा। अब यहाँ फ्लोट है, फ्लोट क्या है, सैलरी, तो सैलरी क्या होगा, सैलरी पॉइंट में होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कर पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब उससे पहले, डिक्लेरेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने वी एस कोड में चलते हैं, इसको कोड करते हैं। और मैं यहाँ पे एक जल्दी से स्ट्रक्चर बिल्ड करूँगा, ठीक है, और मैं एक स्ट्रक्चर इम्प्लॉय नाम का बनाऊंगा, और जिसमें मैं सारा उसका डिटेल रखूंगा। डिटेल क्या रखूंगा, उसका एज, उसकी आईडी, उसकी लोकेशन और उसका सैलरी। ओके, सो क्या करते हैं, स्ट्रक्ट, जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ एक इम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है, और इसको इंटर दबा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेट से इंट एज, ओके, जिसमें मैं उसका एज स्टोर करूँगा, इंट आईडी, उसका कुछ कुछ भी एम्प्लॉय आईडी होगा, ठीक है, वो नो मैटर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्लोट सैलरी, ठीक है, सैलरी, अब यहाँ पे उसका सैलरी होगा, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। अब इसमें क्या है, ये क्या है हमारा, इसको मैं यहाँ पे कॉमेंट आउट करके देता हूँ, ठीक है, ये है इंटीजर, इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप, मतलब ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा, ठीक है। ये भी क्या है, एक यहाँ पर सिमिलर टू ऊपर, जो ऊपर वाला है मेरा इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सैलरी मैं स्टोर करूँगा, जिस जो वैल्यू मैं सैलरी को दूंगा, वो क्या है, यहाँ पर क्या है, डेसिमल, ठीक है, मैं डेसिमल में दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डाटा टाइप है, और इसको हम लोग क्या कर स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर कैसे करेंगे, डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्ट, और जो ऊपर स्ट्रक्चर में जिस नाम से स्ट्रक्चर बना है उसको लिखेंगे इम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब स्पेस देंगे, और यहाँ पर हम लोग कोई वेरिएबल बनाएंगे, और वेरिएबल मान लेते हैं मैं इम्प्लॉय वन बनाता हूँ, ठीक है, या ई वन, ई वन करके, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक ई वन वेरिएबल बनाता हूँ, ई वन, अब यहाँ सेमी कॉलन लगाएंगे। ये हो गया डिक्लेरेशन, मतलब कि स्ट्रक्चर जो इम्प्लॉय बनाया है उसमें इवन एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एक वेरिएबल, समझ में आया। अब यहाँ पर मैंने जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है उसमें एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया इवन, ठीक है। अब इसी इवन से मैं सारे वैल्यू को एक्सेस करूँगा, कैसे एक्सेस करते हैं वैल्यू, मतलब वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इवन डॉट एज डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इवन डॉट एज इज इक्वल्स टू, लेट से मैं इसके एज देते हैं 30, ठीक है। अब यहाँ पर इवन इवन डॉट आई डी, ठीक है, आई डी लेट से मैं देता हूँ 1 2 3, ओके, क्योंकि इंटीजर ही है। अब यहाँ पर उसकी सैलरी मेरे को देना है, तो इवन डॉट सैलरी करूँगा, समझ में आ रहा है। अब सैलरी की वैल्यू लेट से मैं देता हूँ 1200.2, ओके, ये इसका सैलरी हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल डिफाइन किया, और यहाँ पे मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब लेट से इसको प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, सी आउट करूँगा, यहाँ पे इवन डॉट एज, और सिंपली मैं यहाँ पे एक इंडेल लगा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं सारे को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा और सैलरी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डबल एल होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। सो जैसे ही सेव और रन करेंगे, वो जो भी वैल्यू मैंने दिया था यहाँ पे 30 123 1200.2, ये सारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं अपने जो पीपीटी था हमारा, उसमें देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, सो ये हुआ डिक्लेरेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं हम लोग, डॉट ऑपरेटर यूज़ करके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर यूजिंग टाइप डिफ। टाइप डिफ क्या है, टाइप डेफ इज अ कीवर्ड दैट इज यूज टू असाइन ए न्यू नेम टू एग्जिस्टिंग डाटा टाइप। मतलब कि जो हम लोग एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, मतलब क्या, जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर बनाए हैं इम्प्लॉय नाम से,
अगर हमको उसको चेंज करना है, चेंज क्या करना है, मतलब किसी और नाम से यूज़ करना है उसको, समझ में आ रहा है? अभी बताते हैं उसका फायदा क्या है। जैसे अगर हमें यहाँ पे टाइप डेफ लिख दिया, ठीक है, टाइप डेफ स्ट्रक्ट पर्सन, यहाँ तक तो सब सेम था। अब टाइप डेफ यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग में, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख दिया बायोडाटा। तो अब इसी बायोडाटा, जो नाम मैंने वेरिएबल बनाया है, इसी बायोडाटा से मैं कोई भी वेरिएबल डिफाइन करूँगा और वैल्यू एक्सेस करूँगा, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ इसको अभी कॉम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट के आगे क्या लगाता हूँ, टाइप डेफ, ठीक है, टाइप डेफ। और यहाँ पे लास्ट में मैं लेट से ये इम्प्लॉय के क्या है, एक टाइप का बायोडाटा है, तो मैं क्या करता हूँ बायोडाटा लिखता हूँ, ठीक है, बायोडाटा। ओके, तो बायोडाटा लिखने से अब मेरे को क्या करना होगा, इससे क्या हो गया, टाइप डेफ और बायोडाटा लिखने से क्या हो गया, सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो स्ट्रक्ट है इसको मेरे को नहीं लिखना पड़ेगा, समझ में आए? और यहाँ पर जो इम्प्लॉय है इसको भी मेरे को नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बायोडाटा लिखूँगा और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करूँगा, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, तो जैसे ही रन करेंगे वही सारा सेम वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये हुआ टाइप डेफ का मतलब कि बायोडाटा यहाँ पे है, जो भी मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करूँगा, कुछ भी बायोडाटा 1 2 3, तो यहाँ पे मेरे को केवल बायोडाटा 1 2 3 ही लिखना पड़ेगा, मेरे को बार बार स्ट्रक्ट और इम्प्लॉय बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, समझ में आया? तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टाइप डेफ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो मैं सिंपली यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कॉपी कॉमेंट करता हूँ और इसको अनकॉमेंट करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले को। ऑल राइट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। सो हम लोग टाइप डेफ देख लिए कि टाइप डेफ होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे वैल्यू एक्सेस करते हैं, सब चीज़ हम लोग देख लिए, क्यों हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ये भी हम लोग देख लिए, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट देखते हैं, सो अब हम लोग देखते हैं यूनियन इन सी प्लस प्लस। यूनियन इन सी प्लस प्लस क्या है, यूनियन इज ए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप मतलब कि ये भी क्या है, सेम एज स्ट्रक्चर है जैसा कि हम लोग उसमें भी देखे थे, वो भी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। ओके, ऑल द मेंबर ऑफ यूनियन शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग देखते हुए डिफरेंस देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। सिंटेक्स वाइज यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों सेम है, बट टेक्निकली जो हमारा कंपाइलर कोड को रन कर रहा होगा बैकग्राउंड में, बैकएंड में क्या हो रहा होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काफ़ी डीप में। ओके, तो वो चीज़ें आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। साइज ऑफ यूनियन इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनियन। ओके, मतलब कि यूनियन का जो साइज है वो हम लोग किससे डिसाइड करेंगे, लार्जेस्ट मेंबर ऑफ यूनियन। लार्जेस्ट मेंबर ऑफ यूनियन मतलब इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा साइज के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ इससे पहले, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा इंट डाटा टाइप होता है, अगर मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ए, तो इसका साइज कितना होगा, लेट्स से 4, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू दे दिया 4, तो इसको इंट होता है ये कितना बाइट लेता है, 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट मेमोरी लेता है, ठीक है। अगर मैं फ्लोट फ्लोट एक डाटा टाइप डिफाइन करता हूँ, लेट से बी, बी इज इक्वल टू 2.4, ठीक है, तो जो फ्लोट होता है ये कितना मेमोरी लेता है, ये भी 4 बाइट लेता है, समझ में आया? और जो हमारा डबल होता है, डबल डबल मान लेते हैं डी इज इक्वल टू 3.5, तो जो डबल होता है वो कितना लेता है, 8 बाइट लेता है, समझ में आया? और जो हमारा कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर लेट से सी, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया सी, तो ये कितना मेमोरी लेगा, 1 बाइट, समझ में आया? ये कुछ इस तरीके से मेमोरी लेता है, ये इतना स्पेस लेता है मेमोरी हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा स्लाइड क्या कहता है यूनियन के बारे में। इफ़ यू वॉन्ट टू यूज सेम मेमोरी लोकेशन फॉर टू और मोर मेंबर, यूनियन इज द बेस्ट फॉर देट। ऐसा क्यों, पहले चलते हैं इसको कोड करते हैं, फिर आपको मैं आउटपुट दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, क्यों स्ट्रक्चर से ये डिफरेंट है और किस मामले में स्ट्रक्चर से सेम है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव इन आवर वीएस कोड। ओके, सो मैं आ गया वीएस कोड में, मैं सिंपली यहाँ पर इसको कॉमेंट आउट करता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक यूनियन डिफाइन किया है, सिंपली मैंने एक यूनियन बनाया, जैसे हम लोग बिल्ड करते हैं अपना क्या स्ट्रक्चर वैसे ही मैंने बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर भी यहाँ डालता हूँ, ठीक है, कैर सी, ठीक है, कैर सी। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, ये कैरेक्टर टाइप है, ठीक है, कैरेक्टर टाइप है। ओके, और ये हमारा क्या है, फ्लोट टाइप है, ठीक है, फ्लोट टाइप है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये तो इसी तरीके से सिंपली जहाँ पर हम लोग स्ट्रक्ट लिखे तो वहाँ पे बस यूनियन लिख देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैं
वेरिएबल डिफाइन करूंगा, ठीक है, यूनियन यूनियन। अब यहाँ पे क्या मैं बनाया था, इम्प्लॉय बनाया था ना, इम्प्लॉय ही बनाया था, ओके इम्प्लॉय। अब यहाँ पे मैं जो वेरिएबल डिफाइन करूँगा, लेट से ईवन, ठीक है, मैं ईवन करता हूँ ईवन, ओके। अब मेरे को कैसे वैल्यू एक्सेस करना है, सिंपली ईवन डॉट एज से ही करेंगे, जैसे हम लोग डॉट ऑपरेटर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किए वैसे हम लोग यूनियन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ईवन ईवन डॉट एज इज इक्वल टू, लेट से मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 12, ओके, और 12 नहीं ये तो बच्चा हो जाएगा ना, 23, ठीक है। अब मैं इसको सी आउट करता हूँ क्या, ईवन डॉट एज, तो आपके अनुसार क्या आउटपुट आना चाहिए, आपके अनुसार और मेरे अनुसार भी दोनों सेम आउटपुट आना चाहिए, दैट इज़ 23 आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 23 यहाँ पर प्रिंट हो गया, नो डाउट सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको दूसरी वैल्यू एक्सेस करते हैं, कौन सी वैल्यू एक्सेस करते हैं, आईडी, ठीक है, इंट एज यहाँ पर ईवन डॉट आईडी ना, ईवन डॉट आईडी सॉरी इज इक्वल्स टू, लेट से इसकी वैल्यू देते हैं 1 2 3, ओके। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ईवन डॉट आईडी प्रिंट करते हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आता है, ओके। सो लेट्स सी इसकी आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, पहले हमारा 23 था, अब 123 हो गया, ऐसा क्यों, ये तो ओवरराइट कर दिया ना, ये ओवरराइट हो गया, मतलब कि ईवन डॉट आईडी की वैल्यू भी क्या हो गया हमारा 123 हो गया, ईवन डॉट एज की वैल्यू भी 123 हो गया। अब क्या करते हैं ना, इसको कमेंट आउट करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ईवन डॉट आईडी प्रिंट करते हैं, तो इस केस में नो डाउट हमारा 123 ही प्रिंट हो रहा होगा, समझ में आया, 123 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ईवन डॉट आईडी ईवन डॉट एज को यहाँ पे नीचे करते हैं, ठीक है, इसको नीचे करते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ ऐसा आ रहा है क्या, कुछ ऐसा कुछ मतलब करने से देखते हैं, ईवन डॉट एज करते हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, एज सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, ओके। सो पहले आईडी फिर उसके बाद एज है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी चीज़ हम लोग बाद में लिख रहे हैं, मतलब लास्ट में जो इनिशियलाइज कर रहे हैं, वैल्यू को दे रहे हैं, वही क्या कर रहा है, मेमोरी शेयर कर दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ईवन डॉट आईडी किया, और जब मैंने इसको प्रिंट किया केवल आईडी को, तो 123 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब ईवन डॉट एज भी इसकी वैल्यू दे दिया मैंने, एज को 23, तो अब क्या हो रहा है कि 23 दोनों में प्रिंट हो रहा है, ऐसा क्यों, क्यों हो रहा है ऐसा। और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्या आपको बताता हूँ कि आप अगर देखो तो ये जो इंट एज है, ये जो एज हमारा वेरिएबल, ये कितना मेमोरी ले रहा होगा हमारे कंप्यूटर में, 4 बाइट ले रहा होगा, और आईडी ये कितना ले रहा होगा, ये भी 4 बाइट ले रहा होगा, और ये हमारा फ्लोट ये भी कितना ले रहा होगा, ये भी 4 बाइट ले रहा होगा, और कैरेक्टर ये कितना ले रहा होगा, 1 बाइट ले रहा होगा, समझ में आया। लेट्स सी, जैसे कि मैंने क्या बताया, पहले बताने से पहले मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, स्लाइड मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, ऑल द मेंबर ऑफ यूनियन शेयर सेम मेमोरी लोकेशन, क्या बोला, ऑल द मेंबर ऑफ यूनियन शेयर सेम मेमोरी लोकेशन एंड द साइज ऑफ द यूनियन इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर ऑफ यूनियन, ओके। सो देखते हैं अभी अपने वन नोट में देखते हैं, जैसा कि मैंने उसमें क्या क्या वेरिएबल डिफाइन किया था, मैंने एक लिया था इंट एज लिया था, ठीक है, और फिर मैं क्या लिया था, इंट आईडी लिया था, ठीक है, और एक लिया था फ्लोट सैलरी, ठीक है, और एक लिया था मैं कैरेक्टर सी, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को कि इसका साइज क्या होगा, इसका साइज 4 बाइट होगा, समझ में आया, इसका भी साइज क्या होगा, 4 बाइट होगा, और इसका साइज क्या होगा, इसका भी साइज 4 बाइट ही होगा, जो हमारा कंप्यूटर में स्पेस ले रहा होगा, ठीक है। और इसका साइज क्या होगा, ये मैं जो ऐसे लगा रहा हूँ, ये क्या है, डबल स्लैश है, ठीक है, मतलब कमेंट, ये क्या होगा, 1 बाइट होगा। तो अब मैंने स्लाइड में क्या पढ़ा था कि ऑल द मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, समझ में आ रहा, और जितना भी मेमोरी शेयर हो रहा होगा वो कैसे डिसाइड होगा कि कितना मेमोरी शेयर हो रहा होगा, जितना भी हम लोग इसमें क्या बनाया है, डाटा टाइप बनाया है, इसमें से जो मैक्सिमम वाला होगा, मैक्सिमम कौन सा वाला है, ये 4 बाइट वाला है। तो पूरे जो हम लोग डिफाइन किया है यहाँ पर डाटा टाइप, उस सारे का मेमोरी कितना होगा, 4 बाइट होगा, कुछ समझ में आया, 4 बाइट होगा। अब ये 4 बाइट का मान लेते मैं स्पेस यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं 4 बाइट का यहाँ पे स्पेस बना दिया, ठीक है, 4 बाइट का स्पेस बना दिया। अब जो इंटीजर वाला होगा ये भी 4 बाइट में ही अपना, मतलब 4 बाइट स्पेस में ही पॉइंट कर रहा होगा इसी को, और जो आईडी है ये भी 4 बाइट में ही इसी को पॉइंट कर रहा होगा,
जो फ्लोट है सैलरी वाला ये भी 4 बाइट को ही पॉइंट कर रहा होगा, जो कैरेक्टर ये भी 4 बाइट को ही पॉइंट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये 4 बाइट जो हम लोग मेमोरी यहाँ पर बनाए हैं ये सारा मेमोरी किस में शेयर हो रहा है, इस इन सारे में। समझ में आ रहा है, इन सारे में। समझ में आ रहा है, और क्या हो रहा है, इक्वली शेयर हो रहा है। समझ में आ रहा है, 4 बाइट का 4 बाइट है वो सब किस में शेयर हो रहा है, ये जितना भी हम लोग मेंबर फंक्शन यहाँ बनाए हैं सब इसमें शेयर हो रहा है। कुछ समझ में आया, कुछ डिफरेंस। और अगर ये हमारा, ये तो क्या है, यूनियन है। समझ में आ रहा है, यूनियन है। अगर ये स्ट्रक्चर होता तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सब डाटा टाइप के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेट होता है, ठीक है, अलग अलग मेमोरी। जैसे अगर मान लेते हैं मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर का अगर मेंबर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंट एज, ठीक है, और यहाँ पे इंट आईडी, और फिर यहाँ पे एक फ्लोट सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे एक कैरेक्टर सी, तो इसका मेमोरी कितना होगा, 4 होगा। इसका मेमोरी कितना होगा, 4 होगा। इसका मेमोरी कितना, 4 बाइट। इसका कितना, 1 होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ मैं ऐसे कॉमेंट करता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वैल्यू है 4 बाइट, ये किसके लिए मेमोरी है, इस वाले डाटा टाइप के लिए। ये जो 4 बाइट है किसके लिए है, इस वाले डाटा टाइप के लिए, और ये जो 4 बाइट है किसके लिए, इस वाले डाटा टाइप के लिए, और ये जो 1 बाइट है किसके लिए डाटा टाइप है, किसके लिए, इस वाले के लिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये जो 4 बाइट है, पहले तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितना मेमोरी कोई डाटा टाइप ले रहा है, तो 4 ही बाइट ले रहा है। तो इसी 4 बाइट में सारा डाटा टाइप मेमोरी अपना शेयर करेगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए जब भी हम लोग इसको रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं, मतलब लास्ट में जो वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने पहले क्या प्रिंट किया, एज प्रिंट किया, तो एज की वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई, मतलब कि 4 बाइट में ये आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं एज के साथ साथ आईडी भी प्रिंट कर रहा हूँ, तो उसी 4 बाइट में आईडी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। समझ, उसी मेमोरी, सेम जो मेमोरी मैंने एलोकेट किया इस एज के लिए, उसी मेमोरी में इस आईडी का भी मेमोरी शेयर हो रहा है। दैट्स वाई हमारा वैल्यू डिफरेंट आ जा रहा है। समझ में आ रहा है, और ओवरराइड कर जा रहा है, ठीक है। सो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर e1 dot क्या करता हूँ, यहाँ पे सैलरी करता हूँ, ठीक है। e1 dot salary इज इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सैलरी को प्रिंट करता हूँ, ओके। सो आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। अब इसको प्रिंट करते हैं, इसको रन करते हैं। सो लेट्स रन इट। सो जो हमारा पहले क्या था, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हुआ, गार्बेज वैल्यू आ गया, ये भी क्या हुआ, गार्बेज वैल्यू आ गया, ये लेकिन एक क्या, सही आ गया। तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारा डाटा टाइप हम लोग डिफाइन किए हैं, जिसका जब सबसे ज़्यादा मेमोरी होगा वो डिसाइड करेगा कितना मेमोरी हमको शेयर करना है। तो क्या डिसाइड किया, 4 बाइट डिसाइड किया। अब इसमें हम लोग जो भी वैल्यू प्रिंट करेंगे ना, वो केवल एक ही वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, सही सही। समझ में आया, क्यों सही सही मैं बोल रहा हूँ, एक ही वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं और वो लास्ट वाला वैल्यू सही सही प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम सोचो, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक कमरा है, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं कमरा क्या, ब्लॉक मान लेते हैं 4 बाइट का, ठीक है, जो जिसमें मेमोरी हमारा एलोकेट हो रहा होगा, ओके। सो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ये एक इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट हुआ, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं, ए वैल्यू इसकी डिफाइन किए मान लेते हैं 12, ठीक है, अगर इसको प्रिंट करना चाहे तो 12 प्रिंट हो जाएगा। अब इसी मेमोरी में मैं किसी और डाटा टाइप का मेमोरी शेयर करना चाहता हूँ, तो जब शेयर करूँगा तो कहाँ से एक्चुअल वैल्यू आएगा, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं आ सकता ना, किसी एक का ही वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है, किसी एक का ही करेक्ट वैल्यू आएगा, बाकी सब तो गार्बेज ही वैल्यू आएंगे, क्योंकि वो सारा मेमोरी उस सेम मेमोरी में एक्सेस ही नहीं हो सकता है, उसमें वो आ ही नहीं सकता है, समा ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है, दैट्स वही हमारा क्या आ रहा है, यहाँ एरर आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, जैसे क्या करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉमेंट आउट करता हूँ, और मैंने जो यूनियन डिफाइन किया यहाँ पे E1, इसका हम लोग क्या करते हैं, साइज़ प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ साइज ऑफ E1, ओके, मैं E1 का साइज़ प्रिंट करता हूँ, ओके। सो मैं E1 का साइज़ प्रिंट करता हूँ, तो नो डाउट यहाँ पे जो E1 का साइज़ होगा वो हमारा 4 बाइट आ जाएगा, ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा मैक्सिमम वाला है, कितना मैक्सिमम मेमोरी ले रहा था, 4 बाइट ले रहा था, तो 4 बाइट ही सारे डाटा मेम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली शेयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये डिफरेंस है हमारा स्ट्रक्चर में और यूनियन में। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक स्ट्रक्चर जो ऊपर बनाया था, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय,
ठीक है, इम्प्लॉय, और यहाँ पे मान लेते हैं ई टू, ठीक है, ई टू, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अनकॉमेंट कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए कि इसका साइज़ और उसके साइज़ में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लॉय टू, इम्प्लॉय वन कर देते हैं और यहाँ पे इम्प्लॉय टू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ई टू लिया हूँ, यहाँ पे करते हैं ई, इम्प्लॉय टू करते हैं, यहाँ पे इम्प्लॉय वन कर देते हैं ताकि डिफरेंस मतलब एरर ना आए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं साइज़ प्रिंट करता हूँ किसका, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसका साइज़ प्रिंट करता हूँ। ठीक है, सो ई टू का साइज़ प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो नो आप गेस करो कि ई टू का साइज़ कितना आना चाहिए। सेव इट एंड रन इट। ओके, सो इसको जब सेव करेंगे, रन करेंगे, तो उस पहले वाले का हमारा यूनियन का साइज़ 4 है और इसका 12 हो गया। 12 कैसे हो गया, अगर हम लोग जैसे देखे थे ऊपर, अभी देखते हैं, 4 बाइट इसका, 4 बाइट इसका, 4 बाइट इसका, 12 बाइट हो गया। अब लेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कैरेक्टर डिफाइन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कैरेक्टर डिफाइन करता हूँ। अभी तो समझ में आया 4 4 बाइट 12 बाइट हो गया, एक कैरेक्टर लेट से मैं कैर ले लेता हूँ, कैर सी। ठीक है, अब इसको फिर से रन करते हैं तो कितना आना चाहिए, 4 4 के 12 13 आना चाहिए। अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, सो यहाँ 16 आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, और इसका 4 का 4 ही आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें यूनियन में एक डबल डबल करता हूँ। ठीक है, इसमें मैं एक डबल डिफाइन करता हूँ, डबल डी। ओके, सो डबल डी करते हैं तो डबल का कितना साइज होता है, 8 होता है, 8 बाइट, तो इसका 8 आएगा। और इसमें भी क्या करते हैं, एक डबल डिफाइन करते हैं, डबल, और इसका नाम लेते हैं D1। ओके, कुछ भी नाम ले सकते हैं। ओके, सो रन करते हैं, इसका कितना आना चाहिए, इसका 4 4 8 4 3 12 1 13, और 8 कितना है, 21। ठीक है, और इसका कितना आना चाहिए, इसका तो मैक्सिमम डबल का 8 है, तो 8 आना चाहिए, 8 और 21 आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। सो हमारा आ रहा है 8 और 24 आ रहा है, ऐसा क्यों। सो इसी चीज़ को समझने के लिए हमको पढ़ना होगा पैडिंग इन स्ट्रक्चर, तब आपको समझ में आएगा और डीप में कि ऐसा क्यों वेरिएशन आ रहा है। इम्प्लॉय में हम लोग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो मतलब यूनियन में वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, जो भी रन कर रहे हैं तो कुछ और वैल्यू आ जा रहा है और उसका मेमोरी कुछ और आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे पैडिंग इन स्ट्रक्चर, काफ़ी डीप में मैं समझाऊंगा और इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अभी के लिए केवल इतना ही, आप समझ जाइए कि कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं यूनियन को, कैसे डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, और क्यों हमारा इसमें वैल्यू डिफरेंट आ रहा था, समझ में आ रहा है। ये दोनों हमारा क्या दे रहा था, गार्बेज वैल्यू दे रहा था, बट ये सही दे रहा था। ये सही क्यों दे रहा था, क्योंकि इसका जो मेमोरी एलोकेशन है 4 बाइट, वो तो पूरा ले ही रहा था, और साथ में साथ इसको भी शेयर कर रहा था, इसको शेयर कर रहा था, इसलिए यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जा रहा था, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इनम इन C++। तो मैं सब क्या करता हूँ, इनम इन C++। इनम क्या है, इनम आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स दैट कंसिस्ट ऑफ नेम इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। ओके, नेम्ड इंटीग्रल कॉन्स्टेंट मतलब कि हम लोग कोई एक डाटा टाइप बना रहे होंगे जिसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे। ये भी क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे, नेम्ड मतलब कोई नेम टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे। और अब ये क्या है, इट हेल्प्स टू असाइन कॉन्स्टेंट्स टू ए सेट ऑफ नेम्स टू मेक द प्रोग्राम इजियर टू रीड एंड मेंटेन एंड अंडरस्टैंड। अब इसका मतलब क्या है, अब ये एन इनुमरेशन इज डिक्लेयर बाई यूजिंग द कीवर्ड इनम। समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, इसको समझते हैं कि इनम क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई सेट है, ठीक है, सेट में लेट से मैं मान लेता हूँ कुछ फ्रूट्स के नाम ले लेता हूँ, जैसे लेट से एप्पल, ठीक है, मैंगो, और मैं बनाना ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को इन सबको इंटीजर वैल्यू देना होगा, अगर इंटीजर वैल्यू देना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनम यूज़ करेंगे, समझ में आ रहा है। अब ये इंटीजर वैल्यू कैसे देगा, मतलब कि अगर हम ऐसे इस तरीके से इसको हम इसमें स्टोर कर लिए, तो इसको क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, इसको क्या देगा, 1 देगा, इसको क्या देगा, 2 देगा। अगर 0 की बात करें तो 0 किसको पॉइंट करेगा, एप्पल को, 1 की बात करें तो 1 किसको पॉइंट करेगा, मैंगो को, और 2 की बात करें तो 2 किसको पॉइंट करेगा, बनाना को। अगर हमारा आउटपुट 2 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग किस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, बनाना को, समझ में आ रहा है। तो यही इसमें बोला है कि जो हमारा नेम्ड डाटा मतलब नेम्ड वेरिएबल है, इसको कोई कांस्टेंट नंबर देने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इनम का यूज़ करते हैं, समझ में आया, ताकि हम लोग प्रोग्राम में इजिली अंडरस्टैंड कर पाए, समझ जाए, समझ में आ रहा है। तो चलते हैं इसको कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, देखते हैं। सो लेट्स मूव, सो इनम। ओके, तो सिंपली हम लोग इनम यहाँ लिखेंगे, और इनम कोई वेरिएबल डिफाइन कर से लेट से ले कोई इनम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट से फ्रूट्स। ओके, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे एप्पल,
कॉमा देंगे मैंगो, कॉमा देंगे बनाना, और कॉमा देंगे लेट से कोई एक और नाम लेते हैं पाइन एप्पल, ठीक है ओके। ये हो गया। अब फ्रूट्स बनाया हूँ, फ्रूट्स इनम नाम का, उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फ्रूट्स मतलब यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहा हूँ फ्रूट्स। अब लेट से मान लेते हैं F1, ठीक है। अब F1 की वैल्यू मैं किसको इनिशलाइज करता हूँ, लेट से एप्पल से, ठीक है एप्पल से। यहाँ पे क्या फ्रूट्स होगा ना, फ्रूट्स एप्पल से, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, सिंपली इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ चार जगह। अब इसको क्या करता हूँ F2 करता हूँ, F1 F2 F3 F4 को प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है, क्या इंटीजर वैल्यू आ रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इंटीजर वैल्यू। तो सी आउट F1, और यहाँ एक इंडेंट लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे F2 करते हैं इसको, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं F3 करते हैं, फिर इसको हम लोग करते हैं F4, ठीक है। तो नो डाउट जो हमारा वैल्यू आएगा 0 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि जीरो से स्टार्ट होता है नंबरिंग देना, ऐसे 0 1 2 3, समझ में आया। तो ये हुआ हमारा इनम इन सी प्लस प्लस। समझ में आया आपको इनम का मतलब क्या, इनम मतलब सिंपली हम लोग कोई एक एक तरीके का डाटा टाइप है यूजर डिफाइंड, जिसमें हम लोग जो नेम्ड टाइप का वेरिएबल उसको स्टोर कर दिए, और उसको अगर हमको इंटीजर वैल्यू देना है तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इनम को, समझ में आया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम मेरे को पता है डाउट रह गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, साइज़ में डिफरेंस क्यों आ रहा है, समझ में आया। यहाँ पे साइज़ हम लोग को जो फाइंड किए तो उतना नहीं आ रहा था, ठीक है, और कुछ और आ रहा था आउटपुट। तो इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पैडिंग इन स्ट्रक्चर, ओके, और काफ़ी डीप में समझाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो प्लीज़ इफ यू अंडरस्टैंड द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।